जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनरल नॉलेज जंक्शन चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज जंक्शन पे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं जनरल नॉलेज के। इन क्वेश्चनों की हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे एंड उनके आंसर्स जानेंगे। इस तरह के क्वेश्चन से आपके अभी कमिंग एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा मदद पहुंचेगा। तो दोस्तों, आप लोग बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखें ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाए और आपके एग्जाम्स में इससे मदद हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे हल्का तत्व है ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी सोडियम या डी पोटेशियम। दोस्तों, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, पीरियोडिक टेबल में ये पहले नंबर पर आता है, ये इसलिए सबसे हल्का तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एंड दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन से संबंधित। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केरल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ए 18, बी 20, सी 26 या डी 30। दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 20। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीट्स हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स यूपी में हैं, टोटल 80 सीट्स हैं यूपी में लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिकस बेंगलेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है, ए पीपल, बी नीम, सी बरगद या डी सखुआ। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम फिकस बेंगलेंसिस है। दोस्तों, आप लोग पीपल का भी साइंटिफिक नेम जानते होंगे, पीपल का साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा, जबकि नीम का साइंटिफिक नेम है एजाडिरेस्ट्रा इंडिका एंड अंत में सखुआ का साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन से संबंधित। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान या डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, ये एक इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। घूमर नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएँ। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ए सुचेता कृपलानी, बी किरण बेदी, सी मीरा कुमार या डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों, ये भी एक ईजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सबसे पहले भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। दोस्तों, इन्होंने 15 अगस्त 1948 से 2 मार्च 1949 तक वहाँ की राज्यपाल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे भारी धातु है, ए लिथियम, बी ऑस्मियम, सी आयरन या डी सिल्वर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्मियम। ऑस्मियम वर्ल्ड का सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट है, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, सभी एलिमेंट्स में इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है एंड इसका एटॉमिक नंबर है 76। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है, ए हाइड्रोजन, बी सीसा, डी लोहा या डी यूरेनियम। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता हो तो आपने आंसर दे सकते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सीसा। सीसा यानी कि लेड। लेड लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82। ये सबसे स्थायी तत्व है वर्ल्ड का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? ए 2 मई 2014, बी 1 मई 2014, सी 2 जून 2013 या डी 2 जून 2014। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 जून 2014। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। दोस्तों आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत के सभी राज्यों में से जहाँ से होकर जो समुद्र के किनारे हैं उनमें से गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए क्रायोमीटर, बी पायरोमीटर, सी थर्मामीटर या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से हम लोग वेरी लो टेम्परेचर मापते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का जो सब बहुत लो टेम्परेचर होता है वो मापने के लिए हम लोग क्रायोमीटर को यूज़ करते हैं, जबकि पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने तरफ से एक लाइक कर दें तथा अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।